मेरी जॉब के 5 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफर उस शहर में हो गया जहां मेरी दीदी और मेरे जीजा जी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जीजा जी के साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और दीदी से तो मेरी हमेशा से ही खूब बनती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वो लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी दीदी के 2 प्यारे बच्चे थे जिनके साथ खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और दीदी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी तभी मुझे मेरे बॉस ने बताया कि जो विदेशी क्लाइंट्स हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, इसलिए अब वो इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते बाद रखी जाएगी मीटिंग कैंसिल होने की वजह से। मुझे वापस अपनी दीदी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने काफी देर बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई होगी। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही लेकिन कोई भी दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जीजा जी भी अपने ऑफिस एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं, और अक्सर तो वो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो दीदी घर में अकेली ही होंगी, बच्चे भी स्कूल गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो? मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी, इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर चली गई, लेकिन अंदर मुझे दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने वो नजारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी दीदी जीजा जी के ऊपर बैठकर वो सब कर रही थी। वो दोनों लोग भरपूर जोश में थे और शायद उन्हें इसी जोश में होने की वजह से मेरे दरवाजा बजाने की आवाज सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही पीछे हटी क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देख लिया था। मुझे लगा कि अब मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें देख लिया तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मैं तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आती हूँ, तब तक वो लोग अपने प्यार के पलों को भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। इसलिए ये सब सोचकर मैं एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतजार ही कर रही थी कि तभी मैंने जीजा जी को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि जीजा जी तो घर पर थे, लेकिन फिर वो अचानक यहाँ कैसे? ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी, इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे गई। मैंने उन्हें आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहां देखकर वो खुद बुरी तरह से चौंक गए। वो कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि वो दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे कि मैं तो आज यहाँ सुबह से मीटिंग के लिए आया हूँ, अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है इसलिए वापस ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे सामने दीदी की उस तरह की पोजीशन घूम गई। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को दीदी के नीचे लेटा देखा वो जीजा जी नहीं थे, वो कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी दीदी जीजा जी को धोखा दे रही है? मेरे दिमाग में एक साथ न जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी जीजा जी ने मुझे हिलाते हुए कहा, मीनाक्षी किस सोच में पड़ गई?
मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहां क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं, कि मैं यहां पर क्या कर रही थी। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहां पर मैंने जो कुछ देखा उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आई। मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा कि वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर जीजाजी निश्चित हुए और कहने लगे, ओके, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड से मिलो जाकर, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। उसके बाद जीजाजी अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहां से घर के लिए निकली। इस बार मैंने दरवाजा खटखटाया तो दीदी ने पहली बार में ही दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर दीदी बुरी तरह से चौंक गई कि मैं तो मीटिंग के लिए गई हुई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि हमेशा से करती आई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने दीदी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, जीजा जी के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए दीदी से पूछा, क्या जीजा जी दोपहर को लौट कर आए थे? तो वह कहने लगी कि नहीं, तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे जीजा जी ज्यादातर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापिस आते हैं। दिन में उनके आने का तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। दीदी के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं दीदी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वो ये सब क्या कर रही हैं? वो अपने ही हाथों अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाहती हैं? जीजा जी तो कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी कद्र करते हैं, उनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते, फिर आखिर वो उनसे ऐसा धोखा क्यों दे रही हैं? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से पक्के तौर पर ये नहीं कह सकती थी कि मैं जो सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा और दीदी पर नजर रखनी होगी। मैंने उस दिन से दीदी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो देखा कि रात को जीजाजी के सोने के बाद उनके फोन पर किसी का फोन आता था और वो चुपचाप छत पर जाकर उनसे बात करती थी। इससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो किसी से बात करती थी, उनकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी ही कुछ दिन बीते थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक जरूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने दीदी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहां पर वो बात करके ऊपर बने रूम की तरफ चली गई। मैंने भी उनका चुपचाप से पीछा किया तो देखा कि वो एक कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वो उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया, लेकिन वो आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उस आदमी को जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन दीदी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि न जाने वो किसका इंतजार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वो उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और दीदी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद दीदी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया। तो दीदी आखिर कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर दीदी की टैक्सी एक दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वो टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी तुरंत ही छुपकर उनके पीछे गई।
फिर वो लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वो करीब 2-3 घंटे के बाद बाहर आई और उनके साथ में ही एक और आदमी निकला। इस बार इस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रवि था। रवि मेरे बड़े भाई का दोस्त था, और वो इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था? और दीदी उसे इस होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे ये सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग-अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। क्या दीदी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी बहन के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा जिससे मुझे उनके चरित्र पर शक हो। लेकिन फिर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? वो इन लोगों के साथ होटल के कमरे में जाकर आखिर क्या करती थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो कहने लगी, वो मैं घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने काम पर निकल जाते हो और बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं, उसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं जो मेरे साथ बाहर जाकर घूम सके। एक काम करो, तुम और तुम्हारे जीजाजी एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी दीदी का सफेद झूठ जानती थी और मैं ये सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही मैंने दीदी को कई घंटे तक बाहर घूमते हुए देखा था। लेकिन फिर भी वो मुझसे ऐसे जता रही थी कि जैसे न जाने कितने महीनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकली। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर से ऐसा ही हुआ कि जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो दीदी दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था शायद वही आदमी आज भी आया हुआ होगा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दीदी जीजाजी के साथ बहुत गलत कर रही हैं, उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वो अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई हैं कि अपनी सीमाएं भूल गई। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते से घर के अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर जो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तभी दीदी के चीखने की आवाज उनके कमरे से आई। मैं तुरंत ही लपक कर उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे मैंने होटल में देखा था वो दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत ही आव देखा ना ताव और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार किया। वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सामने देखकर दीदी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, मीनाक्षी तूने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने दीदी से कहा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा था? दीदी मुझसे कहने लगी कि ये एक चोर था और यहाँ चोरी करने आया था। मैंने दीदी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर दीदी हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उनसे कहा, आपको क्या लगा कि आपकी काली करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? मैं आपको और इस आदमी को नंगी हालत में इस कमरे में सब कुछ करते हुए देख चुकी हूँ। और तो और, मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से भी निकलते हुए देखा था। मेरी ये बात सुनकर दीदी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत ही मेरे पैरों में गिर कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मीनाक्षी इन सब के बारे में अपने जीजाजी को मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गृहस्थी को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाइए, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यहाँ तक कि आप सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं उस रवि के साथ में भी यही सब कर रही हैं। आप न जाने कितने आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अरे आपके जैसी औरत को तो डूब के मर जाना चाहिए। दीदी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो, मेरे जैसी औरत को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसके बाद वो तुरंत ही दौड़कर अपने अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक गन निकाल ली और अपने सर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे गन छीन ली। ये सब देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी तो है आप ये सब कुछ कर ही क्यों रही थी?
वो कहने लगी कि ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि मैं मजबूर थी क्योंकि यह आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको ये ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों, आखिर किस वजह से? दीदी ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं इस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि मैं अब इसे निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बता देंगी तो मैं आपकी मदद करूंगी। उसके बाद मैंने और दीदी ने उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया। मैंने दीदी को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने अपने अतीत के वो पन्ने खोलने शुरू किए जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। दीदी ने कहा कि शादी से पहले जीजाजी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करते थे तो कभी उन्हें बाहर घुमाने ले जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद जीजाजी ने उन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उन्होंने इस चीज की कई बार शिकायत की कि उन्हें समय नहीं देते, लेकिन वो हर बार उन्हें यही चताते कि वो उनके लिए ही पैसा कमा रहे हैं, और फिर रुपए पैसों की जब कोई कमी ही नहीं तो फिर वो उनसे शिकायत क्यों करती रहती हैं। दीदी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, उन्हें जीजाजी के समय की जरूरत है। लेकिन जीजाजी ये बात समझने को तैयार नहीं थे। इस दौरान माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने दीदी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि उस वक्त मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और भाभी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण भैया और भाभी भी उनके मायके गए हुए थे, जिस वजह से माँ बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद जब दीदी वहां पहुंची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भैया का दोस्त रवि अक्सर घर आ जाया करता था। न जाने कैसे, लेकिन उसने दीदी के चेहरे की उदासी को भांप लिया। उसने धीरे धीरे दीदी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दीदी को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा। वो बच्चों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता था और बच्चे उससे बहुत ज्यादा खुश थे। एक तरह से जो खुशियां, जो क्वालिटी टाइम दीदी को अपने पति से चाहिए था और वो चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके पति दें, वो समय रवि उन्हें और उनके बच्चों को दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहां जाना पड़ा तो रवि ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। रवि ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन दीदी ने कहा कि मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, और उसके बाद वो वहां से वापस आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद जीजाजी का अभी भी वही रवैया था। दीदी ने कई तरीके अपनाए ताकि जीजाजी उन पर ध्यान देना शुरू कर दें, लेकिन उन्हें तो किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। और इधर दीदी को अकेलापन खाए जा रहा था। वही रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से वो पूरी तरह से ऊब चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वो जैसे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही रवि का उनके पास फोन आया। उसने सबसे पहले तो अपने उस दिन की बात के लिए माफी मांगी और फिर उनसे कहा कि हम एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक अच्छा दोस्त हमेशा से ही नजर आता था। दीदी ने सोचा दोस्त में तो कोई बुराई नहीं है। फिर उस दिन से उनकी रवि से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे रवि उनसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन रवि का घर आना जाना जीजाजी को पसंद नहीं आया, इसलिए दीदी ने रवि से घर आने को मना कर दिया। तो रवि ने दीदी से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना, और जब एक दिन दीदी होटल में रवि से मिलने के लिए गई तो वो उस दिन अपनी सारी सीमाएं लांघ गई, क्योंकि उस वक्त उन्हें जैसे ही रवि से थोड़ा सहारा मिला तो उनके कदम बहक गए और फिर वो सब कुछ कर बैठी जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो ये एक सिलसिला सा चल पड़ा। रवि ने उन्हें समझाया कि सब में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सुकून मिलता है और उसे भी। उसके बाद जब दीदी दोबारा से अपने मायके गई तो फिर उन दोनों का आपस में एक बार फिर से मिलने का मन करने लगा, लेकिन आखिर वो वहां पर कहाँ जाते, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए रवि ने अपने एक दोस्त का घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वो दीदी को लेकर उस घर में चला गया।
वहां पर दोनों ने अपने शरीर की भूख मिटाई और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद दीदी फिर से अपनी उसी रोज की जिंदगी में लग गई। और फिर एक दिन रवि का उनके पास फोन आया और उसने जो खबर दीदी को सुनाई उसे सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। रवि ने बताया कि उनके दोस्त मानव ने उनका और दीदी का उस तरह का वो सब करते हुए वीडियो तैयार कर लिया है। दरअसल वो लोग जब लास्ट टाइम उनके घर पर गए थे तो उसने वहां पर कैमरे लगा दिए थे जिसमें अब उनका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और अब वो रवि को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर तो दीदी के होश उड़ गए। दीदी ने तुरंत ही जीजाजी से बहाना बनाया कि वो 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती हैं। जीजाजी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद दीदी जब वहां पहुंची तो रवि के दोस्त मानव ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि वो ये वीडियो एक शर्त पर ही किसी को नहीं दिखाएगा। अगर दीदी जो रवि के साथ करती आ रही है वही सब मानव के साथ भी करेंगी। ये सुनकर तो दीदी के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन फिर वो मजबूर हो गई और उन्हें मजबूरी में वो सब मानव के साथ भी करना पड़ा। बाद में तो उन्हें लगा कि अब शायद उनका इस सबसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। मानव ने मुझे ब्लैकमेल करके डरा धमका कर उनके घर का पता भी उसे जान लिया और फिर वो तो जब उसका मन करता तब घर आकर उनके साथ वो सब कुछ करने लगता। और अब धीरे धीरे वो दीदी से पैसों की भी डिमांड करने लगा जिससे अब वो बहुत तंग आ चुकी थी। अब उन्हें ऐसा लगता कि वो एक जाल में फंस चुकी हैं। दीदी बोली, मैं इधर रवि को कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि अगर मैं उसे बताती कि मैं उसके पीठ पीछे मानव के साथ भी यही सब कुछ करती आ रही हूँ तो वो मुझे धोखेबाज समझता, जबकि मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। इतना कहते हुए दीदी फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि मानव को होश आ गया। मैंने उससे तुरंत ही उसका फोन छीना और उसके फोन में पड़ा हुआ वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने उसे कहा कि अब आज के बाद अगर तू मेरी दीदी के आसपास भी नजर आया तो मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे फोन से वीडियो डिलीट करने से तुम्हारी बहन बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो रवि के फोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे और दीदी के दोनों के होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब मानव ने बताया कि ये सब कुछ तो रवि का ही बनाया हुआ प्लान था। उसने ही कहा था कि वो बहाने से तुम्हें मेरे घर बुला लाएगा और फिर तुम्हारा वीडियो तैयार कर लेगा और फिर मैं अपने सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ मजे भी करूंगा और तुमसे पैसे भी ले लूंगा और फिर वो सब मेरे और रवि के बीच में आधे आधे बट जाएंगे। इस तरह से दोनों मिलकर तुम्हें खूब लूटते रहेंगे, जिस्म से भी और पैसों से भी। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ औरत निकली कि तुम्हें सबकी भनक तक नहीं लगी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर तो दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, मेरे बच्चों को मेरे जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। दीदी एक बार फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि जज्बाती होकर आप फिर से कोई बेवकूफी मत करो। पहले ही आप अपनी जिंदगी खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुकी हो, लेकिन कम से कम अब तो अपने बच्चों के बारे में सोच लो कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम ही बताओ, मरने के सिवा मेरे पास और क्या रास्ता है? आखिर इस सबसे मैं अब कैसे बचूंगी? मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करो, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इसलिए आप थोड़ी देर शांत रहो। मैंने दीदी से कहा कि अब आप ऐसा करिए, हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप जीजाजी को सब कुछ बता दीजिए। दीदी बुरी तरह से रोने लगी, बोली, मैं तुम्हारे जीजाजी को ये सब कुछ नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे और मैं उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने उनसे कहा कि आप समझती क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर दीदी जीजाजी को सब कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। उधर मानव अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी दीदी के फोन की घंटी बजी। दीदी ने जब फोन की तरफ देखा तो जीजाजी दीदी को फोन कर रहे थे। वो बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो,
और आराम से रिलैक्स होकर जीजाजी का फोन उठाओ। मेरे कहने पर दीदी ने जीजाजी का फोन उठाया तो हमें पता चला कि जीजाजी 2 हफ्ते के लिए शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं। आधे घंटे में वो घर पहुंच रहे हैं और दीदी उनका बैग पैक करके तैयार रखे क्योंकि उन्हें तुरंत ही निकलना होगा। ये सुनकर तो दीदी बुरी तरह से डर गई। वो अब क्या करेंगी? और इधर मानव भी सामने बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने दीदी से कहा कि आप पूरे घर की सारी चीजें सही से रख दीजिए और मानव को हम दोनों लोग अपने कमरे में बंद करके रखेंगे जब तक कि जीजाजी चले नहीं जाते। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा ही किया। जीजाजी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर आते ही सीधा अपना बैग उठाया और तुरंत ही निकल गए। तब हम दोनों ने थोड़ी चैन से सांस ली। मैंने अपना कमरा अच्छे से बंद कर दिया और मानव को भी बहुत अच्छे से बांध दिया था। मैंने दीदी से कहा कि तुम रवि को तुरंत ही फोन करके यहाँ बुलाओ। उसे कहो कि आप बिल्कुल अकेली हो और इसलिए आप उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हो। दीदी ने मेरे कहे अनुसार वैसा ही किया और रवि, जो कि हमेशा की तरह इस चीज के लिए भूखा रहता है, तुरंत तैयार हो गया और अगले ही दिन घर आ चुका था। दीदी ने उसको चाय बनाकर पिलाई। मैं भी छुप गई थी और छुपकर ही मैंने उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी। चाय पीते ही वो अपने होश खोने लगा। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उन्हें बता दिया कि ये लोग किस तरह से मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका गलत तरीके का वीडियो बना लिया। उसके बाद पुलिस ने मानव के फोन से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी सारी जानकारी वो सिर्फ मुझे ही देंगे और घर पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में मेरे जीजाजी को कहीं से भी पता चल गया तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद पुलिस मानव और रवि दोनों को ही अपने साथ पकड़ कर ले गई और उन पर केस चला। इधर जो भी सबूत और दीदी की गवाही जो उन्होंने कोर्ट में देनी थी, उसके बिना पर मानव और रवि दोनों को 10-10 साल की सजा हो गई। इस केस से जुड़ी जितनी भी कार्यवाही थी उसको मैंने ही हमेशा आगे से जाकर हैंडल किया ताकि जीजाजी को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। दीदी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी और अपनी नजरों में पूरी तरह से गिर चुकी थी, पर मैंने उन्हें समझाया कि आपने जो गलती की है अब उसकी कोई माफी तो नहीं है, लेकिन अपने आप से वादा करिए कि आप सिवाय जीजाजी के और किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहा क्योंकि मेरी वजह से उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने से बच गई और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति पर ही ध्यान देगी। मानव और रवि को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और इधर दीदी को भी सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।